ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर लर्निंग जोन चैनल के प्लेटफॉर्म से आप तक ये क्लासेस पहुंचा जा रही हैं। वो अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट टाइम हमारी क्लास नंबर 19 का टॉपिक पॉइंट अप हो चुका था। क्लास नंबर 19 का टॉपिक हमारा ये साइज की सेटिंग के मुताबिक यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और अब क्लास नंबर 20 को कंटिन्यू करते हैं। प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाएगा आइए ज़रा देखते हैं। फाइल मेन्यू पर आएँ, आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। पहले ये कंफर्म कर लें कि कितने पेजेस हैं हमारे पास। 2 पेजेस हैं। नेक्स्ट अगले पेज पर आने के लिए, प्रीवियस पहले पेज पर आने के लिए यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। हम जाते हैं पोर्ट्रेट पेज आए तो यहाँ पर पोर्ट्रेट पेज आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर कितने पेजेस आ गए, 4 पेजेस आ गए। ठीक है, लास्ट टाइम की क्लास में मैंने आपसे कहा था इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने पर भी पेज की तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपके मैटर के ऊपर। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद यह कि 4 पेजेस का मैटर है, तकरीबन 4 के 4 पेजेस पर ही हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं इसमें से किसी मखसूस एरिया को सिलेक्ट करें और वही प्रिंट में आए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वही मैटर हमारा प्रिंट में आए, उसके अलावा ना आए। सपोज़ कर लें ये एरिया है, हम चाहते हैं इतने एरिया की सिलेक्शन हमने ली है और यही प्रिंट में आए। प्रिंट एरिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेट प्रिंट एरिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब जितने से कि हमने सिलेक्शन ली है, देखें मामूली सी यहाँ पर ये सिलेक्शन दिख रही है। अब पहले 4 पेजेस आ रहे थे और अब कितने पेज आ रहे हैं, 1 ही पेज आ रहा है, और उस पर इतना ही हिस्सा आ रहा है जितना हमने सेलेक्ट किया है। सिलेक्टेड एरिया आ रहा है, अदरवाइज बाकी नहीं आ रहा। तो खैर, यहाँ पर बैक पे क्लिक करके बैक जाना चाहें जा सकते हैं। हम चाहते हैं एक हिस्सा ये तो प्रिंट में आए जो कि हमने सेलेक्ट किया, इसके अलावा हम चाहते हैं ये हिस्सा है ये भी प्रिंट में आए, तो यहाँ पर जाएंगे। अब देखें सेकेंड टाइम सिलेक्शन लेने पर ऐड टू प्रिंट एरिया का ऑप्शन ऐड हो चुका है। यहाँ क्लिक करके इस एरिया को भी सिलेक्ट करके आप प्रिंट में ला सकते हैं। हम चाहते हैं मज़ीद एक और हिस्सा है वो ये एरिया है, ये एरिया भी प्रिंट में आए, तो यहाँ पर जाएंगे ऐड टू प्रिंट एरिया। अब देखें कितने सिलेक्शन हो गई, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आएँ, कितने पेजेस हैं हमारे पास, यहाँ पर हम कंफर्म कर सकते हैं। हर सिलेक्शन अलग अलग पेज पर आपको दिखेगी। देखें ये पहला पेज का जो एरिया है वो हमने सेलेक्ट किया था दिख रहा है, सेकेंड पेज का एरिया जो हमने सेलेक्ट किया था सेकेंड पेज पर आ रहा है, थर्ड सिलेक्शन हमारी थर्ड पेज पर हमें दिख रही है। ठीक है, ये था प्रिंट एरिया के हवाले से। और अब इसे अगर रिमूव करना हो तो बहुत ही आसान है। क्लियर प्रिंट एरिया के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितनी सिलेक्शंस होंगी मामूली से आपको सिलेक्शन यहाँ दिख रही थी वो सारी हाइड हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं। अब देखें नॉर्मली कंडीशन में वापस जो है फाइल अपनी कंडीशन में आ चुकी है। ठीक है, 4 के 4 पेजेस रिटर्न हो चुके हैं। ठीक है, तो खैर बैक पर क्लिक करके बैक जाना चाहें जा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर ब्रेक्स का। ब्रेक्स ये क्या है, हम चाहते हैं जो लिखा हुआ मैटर है हमारा इसमें अलग अलग पेजेस बन जाएँ, अपनी आसानी के लिए आप इसे यूज़ में ला सकते हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक किया, एक छोटा सा पेज बन गया, दूसरा पेज, तीसरा और ये चौथा पेज बन गया। और जाते हैं यहाँ से भी इसको ब्रेक करना है, मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये कितने पेजेस आ चुके हैं, तकरीबन 9 पेजेस आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ आकर प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म करेंगे कितने पेजेस हैं। देखें 9 पेजेस यहाँ मेंशन हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पेज पर आने के लिए यहाँ, प्रीवियस वाले पेज पर आने के लिए यहाँ क्लिक करके आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो यह तरीकाकार था इसका। इसके बाद फिर यहाँ पर आएँ, इन तमाम पेजेस को रिमूव करना हो या सपोज़ कर लें हम जाते हैं ये जो आपको डार्क लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो जहाँ ज्वाइंट आ रहा है ज्वाइंट पर हमने क्लिक किया, रिमूव पेज ब्रेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ से रिमूव होगा। और इस तरीके से रिसेट ऑल पेज ब्रेक्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितने पेजेस होंगे सब के सब ब्रेक होंगे, यानी कि जो ब्रेक हुए थे सब अपनी कंडीशन में आ जाएंगे, नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाएंगे। अब देखना चाहते हैं नॉर्मली कंडीशन में पेजेस वापस आ चुके हैं। ठीक है, तो खैर यह तरीकाकार था इसका। पेज ब्रेक के हवाले से कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो अपने मखसूस एरिया को सिलेक्ट करके ये हिस्सा बैटर का अलग अलग पेजेस पर आप डिवाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वर्क ऑफलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके अगर इस बैकग्राउंड के ऊपर आप कोई पिक वगैरह कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो उस बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट करके इंसर्ट पर क्लिक कर लेंगे, पूरी शीट के बैकग्राउंड पर ये वॉलपेपर आ जाएगा जो भी आप पिक वगैरह लगाना चाहें, बैकग्राउंड लगाना चाहें। ये बेसिकली प्रिंट में तो नहीं आता लेकिन ऑफिस वर्किंग के दौरान काम में आसानी के लिए कलरफुल बैकग्राउंड आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ में लाना चाहें ला सकते हैं। डिलीट बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करके चाहें तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। ये थी आज की क्लास नंबर 20 MS Excel मेन्यूज़ के वाले से क्लास नंबर 20 का जो टॉपिक है माइंड अप हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 21
एक्सेल मेन्यूज़ के हवाले से हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक आपसे ज़्यादा चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।